तो दोस्तों आज हम जो है मैं अपनी गाड़ी का रिव्यू करने वाला हूँ। तो ये है मेरी अपाचे RTR 2017, ये 200cc है और मैंने ये अक्टूबर 2017 में ली थी और ये BS4 है। आप देख सकते हैं, ये देखिए BS4 मॉडल है और ये अभी तक चल गई है। चलो देख लेते हैं, पहले इसको अंदर कर दीजिए, चुरा के ले जाते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट 69,084 किलोमीटर ऑलमोस्ट ये चल चुकी है। दोस्तों इसको ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं कि 6 साल होने वाले हैं, 5.5 साल से ऊपर। तो जो मैं इसकी डिटेल्स बताऊंगा कि जो TVS क्या क्या देता है और TVS की क्या क्वालिटी है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इतना टाइम हो गया है इसमें और ये थोड़े से नट बोल्ट जो है यहाँ पे जंग खा रहे हैं और इसमें मेरा ही कसूर है क्योंकि बारिश में बाहर खड़ी रहती है कई बार। और एक बार बाइक गिर गई थी तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने पेंट किया था मैंने ये, और जो जिसकी वजह से अब ये जंग नहीं खाएगी, इसको रस्ट नहीं लगेगा। और बाकी जगह पे आप देख सकते हो प्लास्टिक पार्ट वैसे के वैसे हैं, कोई इशू नहीं है प्लास्टिक पार्ट्स में। प्लास्टिक पार्ट्स बहुत अच्छे हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी है। 5 साल हो गए हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हैं डिटेल्स देख सकते हैं, ये देखो चाबी की वजह से ये थोड़ा सा यहाँ पे कलर फेंड हुआ है, अदरवाइज़ ये बाकी किसी भी जगह देख सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। मेरा जो है इसमें ये कहना है कि बाइक लॉन्ग टूर के लिए कोई दिक्कत नहीं है। स्लाइटली मैंने मॉडिफाई करवाया हुआ है, देख सकते हो आप, विंड ब्लास्ट से बचने के लिए मैंने विंड स्क्रीन डाली हुई है। लॉन्ग टर्म के लिए इसमें ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा पेन होता है आपको हाथों पे, जैसे कि यहाँ पे रिस्ट पे आपको थोड़ा सा पेन फील होगा लॉन्ग टर्म के लिए। और जो शॉकर हैं वो इसकी थोड़े से स्टिफ साइड में है, लोअर थोड़ा सा सॉफ्ट है बट फ्रंट वाला जो है स्टिफ साइड में है। तो आपको कई कई जो है 200 किलोमीटर के बाद आपको थोड़ा थोड़ा फील हो सकता है, बट ऐसा सच मेरे को ऐसा सच कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। मैंने इस पे स्पीति का टूर भी किया है, लाहौल का टूर भी किया है, ठीक है, तो कोई ऐसा सच कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। और प्लेन रोड में तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लेन रोड में तो आज तक 1% भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। हाँ, जो इसका जो सबसे जो स्वीट पॉइंट है वो है 90 से 100 के बाद जो है इंजन स्ट्रेस होता है, इंजन स्ट्रेसफुल कंडीशन में आता है। और अच्छा, कुछ कुछ चीज़ें मैं और ऐड ऑन करना चाहूँगा, वो ये कि टायर जो है ये थर्ड सेट है मेरा। तो अभी मैंने जो डलवाया हुआ है इसमें एक्टिव जिप डलवाया हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हो ये वाला जो है 130 स्टॉक टायर वाला ही साइज है, एक्चुअल में साइज सेम है, देख सकते हो रियर कंडीशन में। आप देख सकते हो टायर जो है रियर वाला जो है वो ये थर्ड चल रहा है और ये वाला जो है ये भी थर्ड चल रहा है। ऑल्दो मतलब मैंने चेंज करवा दिया था, ऑल्दो जरूरत नहीं थी बट ड्राई अप हो रखा था बहुत, तो मैंने दोबारा चेंज करवा दिया था इसको। डिस्क ब्रेक जो है ये फिफ्थ या फिर सिक्स सेट चल रहा है और जो चेन सेट है, चेन सेट इसका चल रहा है थर्ड, ये थर्ड है। मैं 20,000 किलोमीटर के बाद या 25,000 किलोमीटर के बाद मैं चेंज करवा देता हूँ। स्टॉक जो चला था वो सिर्फ 16,000 किलोमीटर चला था, उसके बाद मैंने, मेरी कंपनी याद नहीं है मैंने चेंज करवाया था, उसके बाद वो चल गया था ऑलमोस्ट 27,000-28,000 किलोमीटर। अभी इसका फिर से चेंज करवाने का टाइम आ गया है। सीट की मैंने थोड़ी सी पैडिंग करवाई थी क्योंकि सीट इसकी जो है बहुत ही हार्ड पे थी, मेरे को दिक्कत हो रही थी। पहले मैंने यहाँ पे पैनियर भी लगवाए थे, अभी मैंने जो उतार दिए हैं। ये कुछ कुछ जो है पेंट्स की पे ये स्टिकर स्कीम है, ये मैंने करवाई थी करोल बाग में। और ये जो एक ब्लैक कैट का कोई ये था, अब तो ये ख़राब हो गया है, मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा ब्लैक कैट को, तो बहुत ही वर्स्ट प्रोडक्ट होते हैं उसके। दो बार चेंज करवा चुका हूँ वारंटी में, तब भी कोई इसमें कुछ नहीं हो, थोड़ा सा पानी चला जाए ख़राब हो जाता है, तो मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा उस चीज़ के लिए। बाकी गाड़ी बहुत अच्छी है, रिलायबल है, अभी तक इंजन का एक भी काम मैंने नहीं करवाया है। सिर्फ मैंने क्या करवाया है इसका, मैं आपको बता देता हूँ। डिस्क ब्रेक जो डिस्पोजेबल होते हैं, काइंड ऑफ जो रीयूजेबल होते हैं, सॉरी डिस्पोजेबल होते हैं, जिनको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, वो वाले पार्ट्स मैंने चेंज करवाए हैं। चेन सेट हो गया, डिस्क ब्रेक हो गया, टायर हो गया, ठीक है, इंजन ऑयल हो गया, एयर फिल्टर हो गया, बस। इसके बाद गाड़ी ने आज तक कुछ भी नहीं मांगा है, कभी भी गाड़ी डाउन नहीं हुई है, नॉट ए सिंगल पॉइंट पे गाड़ी आज तक डाउन नहीं हुई। मैंने गाड़ी को 125 किलोमीटर्स पर आवर पे भी चलाया हुआ है और मतलब फुल ट्रैक पे, तब भी गाड़ी ने कोई इशू नहीं किया है, आज तक भी गाड़ी ने कोई इशू
नहीं किया है। बाइक बहुत प्यारी है। अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं सुजुकी वी स्टॉर्म 250 ले लूँ, बट इसको ऑब्वियसली बेचने का मन नहीं करेगा, ये गैराज में ही रहेगी। बाइक तो बाइक ही होती है यार, ऐसे कैसे हम बाइक बेच दें। इसने कोई प्रॉब्लम ही नहीं की तो मैं क्यों बोलूँगा, क्यों बेचूँ इसको, आज तक तो प्रॉब्लम नहीं की। तो ये फॉर श्योर छोटे टूर्स के लिए ज़रूर रहेगी, और क्या पता लंबे टूर के लिए भी रहे, है ना। अपाचे का मैं आपको कुछ ड्रॉबैक बताता हूँ। ड्रॉबैक ये है कि कोई ड्रॉबैक नहीं है मेरे हिसाब से, तो कोई ड्रॉबैक नहीं है। हाँ, बस ये हायर पावर के लिए उतना नहीं बनी है। अगर आपको 100 की स्पीड से ऊपर चलने की, क्रूज़ करने की अगर आदत है, तो उसके लिए नहीं बनी है। 90-100 है। अगर आप 100 से ऊपर लेके जाते हो तो इंजन स्ट्रेन में आता है, और 110 की स्पीड पे तो वो कहता है कि भाई नहीं, क्योंकि आपके पास क्या होता है, सामान होता है, तो 110 की स्पीड के ऊपर फिर आपके पास वो पावर नहीं बचती है, मतलब बाईपास करने की, पास लेने की, फिर पावर नहीं बचती। इसलिए बेटर रिकमेंड तो ये है कि 90-100 रखें, सो दैट कि आपको 110 की स्पीड के अगर आप पास भी लेना हो तो आप क्या कर सकते हो, उनसे आप पास ले सकते हो, ठीक है। इसमें मैंने LED बल्ब लगवाया था फ्रंट में, जिसको कि चेंज करवाए हुए बहुत टाइम हो गया है, इसको कोई दिक्कत नहीं आई है। इसको 2 से 3 साल होने वाले हैं, तीसरा साल चल रहा है, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है LED में। तो ये मैंने जो LED का जो बल्ब जो डलवाया था, वो मैंने टफ विन जो है करोलबाग में एक शॉप है, तो अभिनव है वहाँ पे, उनसे डलवाया था। बहुत अच्छा पर्सन है, वेरी नाइस पर्सन। और बाकी जो है आप देख सकते हो, ये कुछ कुछ जो है स्क्रैच, ये मेरे से ही, मैं फ्रंट बैग रखा था तो ये उसके उसमें क्या था कि कुछ लोहे का पार्ट से, तो उसमें क्या हो गई, ये निशान पड़ गए। ये जब बाइक नहीं आई थी तब से ही है, आप देख सकते हो। अच्छा, ये वाला जो ऑयल है ये मैंने एक बार भी चेंज नहीं करवाया है, ज़रूरत ही नहीं पड़ी है इसमें ब्रेक ऑयल की। इंजन ऑयल मैंने हमेशा यूज़ किया, वो मोटल का यूज़ किया है, फुली सिंथेटिक मैंने यूज़ किया है। मैंने मोटल के अलावा कुछ 70-100 है वो वाला ही यूज़ किया है मैंने, मोटल फुली सिंथेटिक, बाकी मैंने कोई भी यूज़ नहीं किया। मौली का एक बार यूज़ करने का वो आया था, बट फिर से उस मोटल पे आ गया। अच्छा, 300-400 डलवाने में इसमें कोई भी फ़ायदा नहीं है। 300 वाला जो मोटल का आता है वो डलवाना है इसमें, क्योंकि वो हाई एंड हाई रेव के लिए बना है, जो 120 मीटर्स पर आवर के लिए है, उसके लिए बना है, ठीक है। तो ये हमारा जो है